नमस्कार, मैं हूं रामेश यादव और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम झांसी के वार्ड नंबर 5 में मौजूद हैं। 5 नंबर वार्ड में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि जो 2 दिन पहले अग्निकांड हुआ शुक्रवार की बीती रात, उस अग्निकांड के बाद 21 बच्चों को इस वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां पर मीडिया से लेकर आम आदमी तक के पहुंचने की अनुमति नहीं है। ईमानदार भरोसा देते हैं, तमाम सुविधाओं का वादा किया जा रहा है, लेकिन उन्हें वादा नहीं मिल रहा, उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अब हमारे साथ कुछ शहर के समाज सेवी हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो इन बच्चों को देखने के लिए आई थी। अब हम उनसे रूबरू कराते हैं और वो बताएंगी आप बीती के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनको जाने दिया नहीं जाने दिया। मैडम, आपका नाम क्या है? और मैं यहीं झांसी से देखने, मैं भी एक समाज सेविका हूँ और हम लोग यहाँ बच्चों को मतलब देखने आए थे, ताकि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और क्या चीज चल रहा है। कम से कम हम ये बच्चों को देख करके बता तो सकते हैं कि लापरवाही कैसी हुई है, क्या हुआ है। तो इसलिए हम थोड़ा सा जानना चाह रहे थे कि हम लोग जाएं अंदर, हम लोगों को अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा है। वहाँ स्टाफ है, डॉक्टर तो कोई हम लोगों को दिख नहीं रहा है। तो इसलिए हम ये थोड़ा सा चाह रहे थे कि हमें कम से कम बच्चों से मुलाकात हो और उनके परिवारजन से हम लोग पूछ सके घटना के बारे में, और कुछ ना कुछ तो नई जानकारी मिलेगी ही बच्चों के लिए कि कैसे क्या ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। सरोज को अंदर नहीं जाने दिया, आपको जाने दिया अंदर? जी नहीं, मेरा नाम मीना बस है, हम लोग को जाने ही नहीं दिया। जबकि उस टाइम जब ये दुखद घटना हुई है, इस चीज के लिए हम सब इतने दुखद है, पूरा झांसी इस दुख के उस घेरे में है, और हम लोगों ने एक हम साइलेंट बिल्कुल जाएंगे चुपचाप से, बच्चों को सिर्फ देखना चाहते हैं कि उनकी क्या व्यवस्था है, कैसे उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। क्योंकि अभी डॉक्टर हैं, जो स्टाफ है, अब हमें इन पर तो भरोसा रहा ही नहीं। अगर यही ठीक होते तो आज ये हादसे ना होता। इनकी लापरवाही से इतने बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है और इतने लोग सीरियस हुए। तो हम लोग का ये था कि हम समाज सेवी संस्था से सब लोग और हम सब उनको देखना चाहते हैं, तो हम लोग को क्यों नहीं देखने दिया जा रहा? ऐसी क्या चीज है जो नहीं देखने दिया जा रहा? इस घटना के जब घटना हुई तो आप लोगों को कैसे पता चला? हम लोग तो मतलब बैठे थे, देख रहे थे, टेबल टी को पता चला एक दूसरे के जरिए, लेकिन ये जो गलत हुआ है, अगर अब तक प्रशासन है तो प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, करेंगे तो डॉक्टर ही, तो जब डॉक्टर की लापरवाही है तो उसको कोई क्या कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर को 24 घंटे मौजूद रहना चाहिए, हमेशा डॉक्टर को बुलाया जाता है, कॉल करके डॉक्टर अपना प्राइवेट हॉस्पिटल का ही बोले, या सरकारी हॉस्पिटल में तुम कमाई कर रहे हो, उतनी क्या मतलब है ये? या मरीज मर जाए तड़प तड़प के, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको डॉक्टर की डिग्री कैसी नहीं मिलती है क्या कि आप मतलब मरीजों को बंदी का करके और अपना अपनी कमाई कमाओ, ऐसा ये गलत है बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिता कुशवाहा है, मैं भी एक समाज सेवी हूँ। अंदर हम लोगों को जाने ही दिया गया जी। बताइए क्या कारण है, आप दोषी किसको मानती हैं? मेडिकल प्रशासन है, थोड़ा बहुत जिला प्रशासन भी इसका दोषी है? मेडिकल प्रशासन ही है, क्योंकि बच्चों की कोई देखभाल ही नहीं हो रही है सही से, ना डॉक्टर है ना कोई, बच्चे ऐसे डले हैं, हम लोगों को भी अंदर जाने नहीं दिया गया है। आप लोग जब आपका नाम क्या है? श्वेता जी। जी बताइए, जब आप अंदर जा रहे थे तो ईमानदार आपको कहाँ मिले, बेड पे मिले, अच्छी उनकी सुविधाएं थी या जमीन का फर्श मिले? नहीं, अभी तो देखा नहीं, गेट लगे हुए थे, बस उन्होंने मना किया है कि डीएम साहब से परमिशन लेके आओ तभी देखा। हो सकता है कुछ मतलब क्रिटिकल हो या फिर किसी भी चीज को लेके मना किया हो, अभी ये नहीं कह सकते कि वो गलत है कि हम लोग गलत है, ये कुछ नहीं है। केयर होती है, रिक्को में जाने भी नहीं दिया था, इन्फेक्शन भी होता है, बर्न पेशेंट है उनको तो मतलब मक्खी वगैरह भी हम लोग इन्फेक्टेड आए, हम भी नहीं जाने देंगे, इसी कारण भी रोक सकते हैं। क्योंकि आप गई होंगी, अगर आपने बहुत किया होगा तो कुछ लोग जमीन से बैठे मिले होंगे जो उनके ईमानदार हैं, तो आपको लगता है कि जितने वादे किए जा रहे हैं कि हाईटेक है, तो हम वादे उसके बाद भी जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही, कोशिश तो पूरी की जा रही है। अपने डिप्टी सीएम साहब आए थे यहाँ पे, तो कोशिश तो पूरी है कि जल्दी जल्दी बच्चे ठीक हो, अगर ना होंगे तो सुविधा देने के लिए बोल चुके हैं कि यहाँ से नहीं आओगे रिफर करेंगे, बस पूरी कोशिश करी जा रही है। आपका नाम क्या है? नेहा जी। जी बताइए, क्या पूरी सुविधाएं जो मैडम कह रही है ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं? नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि सुविधाएं मिल रही हैं। अगर सुविधाएं होती तो हम लोगों को बच्चों को दिखाया जाता, तो वहाँ पे गेट लगे हुए, हम लोगों को अंदर भी नहीं जाने दिया। हम लोग बस यही चाहते हैं कि बच्चों को देखा जाए कि बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं है, उनके माँ बाप की क्या हालत। अच्छा, जो माँ बाप हैं और तीमारदार हैं वो फर्श पे बैठे हुए हैं? हाँ। हम लोग देखे, आपने देखा होगा, हमने देखा, हमने देखा है। हाँ, हमने देखा है, फर्श पे लेटे हुए हैं सब, किसी को कोई सुविधा नहीं है, कोई प्रशासन कोई सुविधा नहीं कर रहा है, सारे माँ बाप बेचारे ऐसे तड़प रहे हैं और जमीन में डले हुए हैं। आप दोषी किसको मानते हैं इसमें? इसमें डॉक्टर प्रशासन सभी को दोषी मानते हैं। आपकी नज़र में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हमारी नज़र में ये कार्रवाई होनी चाहिए कि जिसकी जिसने ये घटना हुई है, जिस कारण ये घटना हुई है, उसको सजा हो और पूरी प्रशासन को कार्रवाई। प्रशासन प्रशासन कहाँ तक आप दोषी मानती है कि प्रशासन भी दोषी है डॉक्टर के साथ? जब वो देख नहीं रहे, कुछ सुन नहीं रहे तो दोषी तो है ना।
उनके माँ बाप तड़प रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रही, कुछ पूरा हम लोगों को देखने नहीं दे रहे हैं कि अंदर जाके देखें बच्चों क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, दूर से देख सकते हैं ना हम लोग। अच्छा कल डिप्टी सीएम आए और डिप्टी सीएम के स्वागत के लिए चूना बिछाया गया, डिप्टी सीएम ने ये कहा कि जो चूना बिछाया है और चूना डालने वाले दूसरों की खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको लगता है कार्रवाई होगी? आपको लगता है कार्रवाई होगी? सुबह 5 बजे चूना डालने की क्या जरूरत है? कार्रवाई नहीं होगी और लगता है कि कार्रवाई होगी भी नहीं, क्योंकि अगर कार्रवाई होनी होती तो 12 घंटे की जांच के लिए बोला था। बेचारे बच्चे हैं, उनके कैसे बच्चे हो रहा क्या हो रहा कोई नहीं है उसकी। यार अभी तक हम लोगों को लग रहा था कि मीडिया कर्मियों को वहां तक रोका जा रहा है कि जो अंदर का काला सच है वो कहीं बाहर हो जाएगा ना हो जाए। अब ये शहर की तमाम महिलाएं आई हैं जो बच्चों को, जिन्होंने सुना कि बच्चों के साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया है, नवजात थे बेचारी, ये भी माएं हैं तो इनकी भी ममता जागी कि दूसरी माओं का क्या हाल होगा। उन्होंने भी देखा कि फर्श पर बैठे हैं तीमारदार और जो माँ बाप है वो फर्श पर लेटे हुए हैं, जिनको तमाम सुविधाओं का वादा किया जा रहा है लेकिन फिलहाल उनको सुविधाएं मिलती नजर नहीं आ रही। जो मीडिया कर्मी महसूस कर रहे हैं वही शहर की ये महिलाएं भी महसूस कर रही है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।